हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे उबले हुए मक्के के कुछ दाने लिए हैं, जिससे बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी बनेगी। और देख सकते हैं, इसे मैंने 3 से 4 सीटी दिलवा करके अच्छे से उबाल लिया है। और आप इधर मैंने एक टमाटर को कट कर लिया है, ओनियन मैंने कट किया है, शिमला मिर्च, धनिया की कुछ पत्तियाँ हैं। इधर देख सकते हैं आपकी, मैंने पैन गर्म करके उसमें 1 से 1.5 चम्मच के लगभग तेल, सरसों का तेल डाल करके उसे अच्छे से गर्म करें। उसके बाद उसमें आप प्याज को डाल करके अच्छे से उसे पकने दें, ज़्यादा इसे गोल्डन ना करें, हल्का कच्चा ही रखें, जिससे बहुत ही टेस्टी और यम्मी खाने में लगती है। शिमला मिर्च और आप टमाटर इसमें डाल करके अच्छे से 1/2 चम्मच नमक डाल करके, जिससे ये अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से गल जाए सामग्री। आप इस तरह से भूनते रहें, धीमा फ्लेम रखें, जिससे ये अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुके हैं। अब आप इसमें कुछ मसाले ऐड करें। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच के लगभग डाला है। आपको अगर अदरक लहसुन अच्छी लगती हो तो आप इसमें डालें या स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है रेसिपीज की। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ सूखे मसाले ऐड किए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है और कुछ मसाले जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, ये सारे मसाले डाल करके आप इसे अच्छे से भूनें और पकाएं। उसके बाद जब अच्छे से मसाले भून जाए तो आप इसमें मक्के के दाने या आप पॉपकॉर्न बोल सकते हैं इसे डाल करके अच्छे से इसे 2 मिनट तक आप इसे ढक करके मिलाएं अच्छे से इस मक्के के दाने को, और अच्छे से इसे ढक करके 2 मिनट तक पकाएं। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगी। इसके बाद आप इसमें धनिया की पत्ती भी ऐड कर लें। आप देख सकते हैं, आप बीच बीच में इसे चेक भी करते रहें इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे ढक दिया है उसी तरह से आप इसे बिल्कुल धीमा फ्लेम पर इसे पकाएं। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगी। आप एक बार बनाएंगे, बार बार बनाने की इच्छा होगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इस तरह से आप लोग भी इसे बनाए। तो चलिए मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, इसे चेक कर लेती हूँ कि ये पका है। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पक चुके हैं। तो चलिए इसे हम लोग धनिया की पत्ती भी इसमें डाल देते हैं, और इसे आप गैस ऑफ करके आप इसे प्लेट में डाल करके अनारदाने से भी डेकोरेट कर सकते हैं।